वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू मेक स्क्रंचीज पार्ट टू। इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपके पास स्विंग मशीन है तो आप उससे स्क्रंचीज कैसे बना सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आपके पास स्विंग मशीन नहीं है तो भी आप अपने स्क्रंचीज कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो मैं स्क्रंची बनाने के लिए आज मेरे ड्रेस की लेस यूज़ कर रही हूँ, जिसकी हाइट एंड विड्थ अच्छी खासी है, जिससे मैं एक अच्छी सी स्क्रंचीज बना सकती हूँ। सो इसलिए मैं आज वो लेस ले रही हूँ। तो ये स्क्रंची बनाने के लिए मैंने 45x8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया है। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हो तो आपको 50x10 भी ले सकते हो आप, तो इससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की स्क्रंची बन सकती है, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं चाहती थी इसीलिए मैंने 45x8 सेंटीमीटर लिया है और इसे कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे लेस यूज़ की है, तो आप फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। तो या अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक है वेस्ट पड़ा हुआ या यूज़ की हुई ड्रेस जिसे आप फेंकने ही वाले हो और अच्छी कंडीशन में है, तो आप उससे भी आपकी स्क्रंची बना सकते हो। मुझे ये लेस बहुत अच्छी लग रही थी इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और इसकी स्क्रंची बन के भी बहुत अच्छी लग रही है। सो बस मैं इसको कट कर लूँगी और उसके बाद सुई और धागे से हम लोग इसे स्टिच कर लेंगे। और अगर आपने मेरा पार्ट वन देखा है ना स्क्रंचीज में बनाने का, तो उसमें मैंने सेविंग मशीन के साथ आप कैसे बना सकते हो वो बताया है। तो इसमें बस हमें क्या करना है, दोनों पार्ट्स को अच्छे से इक्वली मिला लेना है, जो भी है फोल्ड कर लेना है। रॉन्ग साइड ऊपर रहेगी और राइट साइड हमारा जो है वो फोल्ड हो जाएगा। तो बस पहले स्टार्टिंग में लॉक करना बहुत ज़रूरी है हमारी स्टिचेस को, इससे ये होगा कि हमारी स्टिचेस खुलेंगी नहीं बिल्कुल भी। और बस हमें स्टिचेस करते जाना है। और ये वाली जो स्टिच मैं कर रही हूँ ना, जैसे कि आप देख ही सकते हो मैंने पहले जो स्टिच की है उसके पीछे से एक स्टिच कर रही हूँ और आगे से, जिससे कि हमारी स्टिच लॉक हो जाएगी और हमारी बिल्कुल भी निकलेगी नहीं स्टिच। इसीलिए एज़ यू कैन सी मैंने जो वहाँ से सुई निकाली बाहर, उसके पीछे एक और आगे एक स्टिच ले रही हूँ मैं, तो इससे हमारी स्टिच बहुत अच्छी आ जाएगी। तो हमें बिल्कुल भी सेविंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हाथ से भी उतनी ही अच्छे से अपनी स्क्रंची बना सकते हो। आप देख सकते हो लॉक। तो यस, उसी तरह से मैं पूरी एंड तक इससे स्टिच कर लूँगी। बस ये स्टिचिंग करते वक्त ना, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो थोड़ा सा पेशेंस होने की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लगता है। बहुत मीन्स आपको ये फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ मैं कि फटाफट हो गई, आप मेरी एक्चुअल स्पीड इज़ ये वाली है, मेरी एक्चुअल स्पीड जो आप अभी देख पा रहे हो, और जो पहले था वो वाला फास्ट में दिखाया था मैंने, दिस इज़ द एक्चुअल स्पीड। तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से आपकी स्क्रंचीज रेडी हो जाएंगी। तो बस हमने पूरी एंड तक स्टिच कर लेंगे, और जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में अपनी स्टिच को लॉक किया था सेम वैसे ही हमें एंड में भी अपनी स्टिच को बहुत अच्छे से लॉक कर लेना है, ताकि हमारा जो धागा है वो निकले नहीं। और जैसे ही हम ये वाली स्टिच ख़त्म कर देंगे ना, हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा और हमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके बाद में। और हमें बस अभी अपने फैब्रिक को सीधा कर लेना है आप, और मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन से इसे सीधा कर रही हूँ। आप आपके पास जो भी अवेलेबल टूल है उससे कर सकते हो, सेफ्टी पिन से सबसे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो हम इसे सीधा कर लेंगे, और जैसे ही ये सीधा हो जाएगा, बहुत कम टाइम रह गया अभी, बस वो वाला जो पार्ट था ना स्टिचिंग का वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके बाद ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। तो हम बस इसे सीधा कर लिया है, तो हम इसके बाद हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सर्कल वाला इलास्टिक ले रही हूँ, अगर आप मास्क वाला इलास्टिक ले रहे हो ना तो भी अच्छी क्वालिटी का ले लेना। और बस इलास्टिक इंसर्ट करते हुए हमें एक साइड पकड़ लेनी है इलास्टिक की, अदरवाइज़ वो बार बार अंदर ही चला जाएगा। और हाँ, जैसे ही हमारा इलास्टिक इंसर्ट हो जाएगा, तो ये वाला अगर आप सर्कल वाला इलास्टिक यूज़ कर रहे हो ना, हम उसे नॉट बांध सकते हैं, लेकिन जब अगर आप मास्क वाला इलास्टिक यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे नॉट काम नहीं आएगी, वो बार बार निकल जाएगी, तो आप वहाँ पे आपको स्टिचेस ही डालनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये वाला यूज़ कर रहे हो तो आसानी से एक नॉट काफ़ी है। तो बस हम अपना फैब्रिक, एक साइड वाला फैब्रिक अंदर इंसर्ट कर देंगे और दूसरी वाली साइड उसके अंदर डाल देंगे, और हमारी जो स्टिचेस थी ना पहले डाली हुई वो वाला फैब्रिक मिला लेना, तो उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। और सिंपली हम सुई धागा लेके अपने वो वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। और ये वाली स्टिच मैं कैसे डाल रही हूँ आप देख सकते हो, जिससे कि हमारा जो धागा है वो ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, इसके लिए
ये वाली स्टिच आप कर सकते हो, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो आप इसे इजीली क्रिएट कर सकते हो। आप जो लास्ट में जो नॉट बांध रहे हो वो थोड़ी सी सिक्योर हो जाएगी, तो आप दो तीन बार नॉट बांध सकते हो वहाँ पे, और हमारी स्क्रंची रेडी हो जाएगी। हम इसी तरह से बहुत सारी स्क्रंचीज बना सकते हैं आसानी से, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। आप मशीन से भी सेम ऐसी ही स्क्रंचीज बना सकते हो जैसी आपने हाथों से बनाई है, बहुत सुंदर बन के आई है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्क्रंचीज कैसी बनी। अच्छा लगा होगा, और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो सब कुछ समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब